बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके बाद मोदी सरकार ने अभी अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से बैठक बुला ली है। तो क्या एक बार फिर से संपूर्ण देश में पहले जैसा ही लॉकडाउन लगने वाला है, या फिर केवल कुछ ही राज्यों में लगेगा, और लगेगा तो कौन कौन से राज्यों में लागू होगा, अभी आपको इसकी थोड़ी ही देर में जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं और कितने लोगों ने कोरोना को मात दी है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जिनके पास है आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, उनके लिए आज हुआ है बड़ा बदलाव। जान ले वरना सरकारी लाभ लेने से रह जाएंगे वंचित। अगर आपके पास भी इनमें से कोई भी कार्ड है तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और वहीं इसके अलावा स्कूलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है, स्कूलों पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई घोषित, देश के इन 4 राज्यों में बंद रहेंगे सभी स्कूल। जान लीजिए कौन कौन से राज्यों में स्कूलों को किया गया है बंद। तो दोस्तों इसकी भी पूरी जानकारी थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। और इसके अलावा 1500 रुपए से भी कम में मिल रहा है 5G स्मार्टफोन खरीदने का मौका। ऑफर बस आज ही के लिए है, फटाफट से करवा लें बुकिंग। अगर आप भी सस्ते में यहां पर 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी भी जानकारी थोड़ी ही देर में मिलेगी। और वहीं आम आदमी, गरीब मजदूर और श्रमिकों को लगा बड़ा झटका, दूध के बाद अब मैदा, आटा और सूजी भी हुआ है महंगा। दोस्तों 15 दिनों के भीतर इन सभी के दामों में कितने रुपए तक का इजाफा हुआ है, अभी आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, आपका स्मार्टफोन हो सकता है हैक, तुरंत बदल लें ये सेटिंग। तो दोस्तों कौन सी सेटिंग आपको बदलना है, इसको जानने के लिए भी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। और इधर किसानों के साथ साथ मजदूर और महिलाओं के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। होली त्योहार से पहले मिलेंगे 1-1 हजार रुपए, साथ ही राशन भी दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों कौन सी प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, इसकी भी वीडियो में जानकारी जानने वाले हैं। और वहीं इधर बड़ा झटका, एक बार फिर से राशन कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड पर सरकार ने दी है बड़ी जानकारी। 31 तारीख से पहले पहले जरूर करवाएं यह काम, नहीं तो हो जाएंगे तीनों कार्ड बंद। तो दोस्तों कौन सा कार्ड आपको कौन सी जानकारी सरकार ने दी है और कौन सा यहां पर जो काम करवाना होगा, जानने के लिए अंतिम तक वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन ने अमेरिका को लगाई फटकार, कहा बाकी देशों की कोविड पॉलिसी पर ना दें बयान। तो दोस्तों इधर कोरोना महामारी चीन की हालत पतली किए हुए है, तो वहीं चीन अब अमेरिका पर भड़ास निकाल रहा है। आखिरकार क्या कुछ यहां पर मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्या कुछ वाकया हुआ है, थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। और इधर ठंड का लोगों पर टूट रहा है कहर, 24 घंटे में हुई 108 लोगों की मौत। जान लीजिए कौन कौन से राज्यों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो दोस्तों आपके राज्य के ताजा मौसम के हाल भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा बिजली कंपनी की ओर से दिया गया तगड़ा झटका, बिजली का बिल फिर से कर दिया गया है महंगा करने का ऐलान। जान लीजिए कितने रुपए तक बढ़ेंगे दाम, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार ने उठाया नकली दवाओं पर लगाम लगाने का जरूरी कदम, अब बाजार में नहीं बिक पाएंगी नकली दवाइयां, जान लीजिए क्या है सरकार की पॉलिसी। तो दोस्तों नकली दवाइयों को लेकर सरकार ने अभी अभी एक बड़ा कदम उठाया है, जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के ताजा मुख्य समाचार, फ्री राशन के साथ साथ फ्री गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, तो इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर दीजिएगा। तो दरअसल दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, 1500 रुपए से भी कम में अब मिलेगा 5G स्मार्टफोन। जान लीजिए क्योंकि आज ही तक मिल रहा है मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेहद ही सस्ते में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए में अब आप 5G स्मार्टफोन ले सकते हैं। ऑफर आज तक ही केवल चल रहा है। अमेजन इंडिया पर एक बार फिर से यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर आ चुका है। इस डील के तहत आप iQOO Z6 Lite 5G को 18% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पे की MRP वैसे तो यहाँ पर 19,000 रुपए है, लेकिन इस स्मार्टफोन को आप अमेजन इंडिया पर ऑफर के तहत मात्र 1500 रुपए में खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें HDFC और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाकर आप ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, एक गलती से ही हैक हो सकता है आपका स्मार्टफोन। व्हाट्सएप यूजर्स तुरंत बदल लें ये सेटिंग। दोस्तों आज के समय में हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है,
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आपके जीवन का आज के समय में बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ऐसे में अगर आप किसी को भी फोटो वीडियो जानकारी को भेजते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई हैकर्स धोखाधड़ी करने वाले लोग भी आपके फोन में सेंध लगा सकते हैं। हैकर्स की ओर से अभी खबर आ रही है कि GIF इमेज फिशिंग अटैक हो रहा है। अगर आपके पास भी कोई GIF फाइल आती है, मतलब कि एनिमेटेड या फिर GIF फाइल फोटो आती है, तो उसको आप बिल्कुल भी ना खोलिएगा। इसे खोलते ही आपके फोन में वायरस आ जाएगा और आपका जितना भी स्टोरेज है, डेटा है, वो चोरी हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देशवासियों को लगा बड़ा झटका, आटा दूध दही के बाद मैदा और सूजी के दामों में आया भयंकर उछाल। तो दोस्तों सरस डेयरी के दूध को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरस कंपनी की ओर से डेयरी दूध पर दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जो कि आज शाम से लागू भी हो जाएंगे। लगातार महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए एक बार फिर से ये बड़ा झटका लगा है। सरस दूध की कंपनी की ओर से एक बार फिर से बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया गया है। टोंड मिल्क अब आपको 2 रुपए बढ़कर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 2 जून की रोटी भी लोगों को अब लेना मुहाल होने वाला है, क्योंकि पिछले 15 दिनों के दौरान आटा मैदा सूजी के थोक भावों में इजाफा हो गया है। आपको बता दी जाए कि 200 रुपए प्रति क्विंटल तक आटा महंगा हो गया है, वहीं 2-3 रुपए प्रति किलो तक यहां पर आपका मैदा और सूजी के साथ साथ रिफाइंड तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और वहीं दोस्तों इसी के साथ प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे सस्ते किराए के घर, जान लीजिए कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती दरों पर किराए का आवास मुहैया कराने के लिए एक योजना की शुरुआत कर दी है। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस एंड कॉम्प्लेक्स यानी कि दोस्तों ARHC योजना के तहत शहरी प्रवासी गरीब मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते में किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत सरकार ने कर दी है। इसके तहत अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कामकाजी महिलाओं को भी ये फायदा मिलेगा। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको भी अब सरकार की ओर से इस योजना के तहत सस्ते में घर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए सरकार ने दिया अंतिम मौका, ये काम नहीं किया तो नहीं मिलेगी 13वीं किस्त। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12 किस्तें तो सभी किसानों के खाते में पहुंच गई हैं, लेकिन 13वीं किस्त का इंतजार देश भर के 80 करोड़ से ज्यादा किसान कर रहे हैं। ऐसे में अपात्र किसानों को सरकार ने कहा है कि अपात्र किसान फायदा न ले पाए, उनके लिए सरकार ने सभी किसानों के लिए अंतिम मौका दिया है। सरकार ने कहा है अगर आपने अपना EKYC अभी तक नहीं करवाया है तो फटाफट से करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये काम बिना करवाए आपके खाते में 13वीं किस्त नहीं पहुंच पाएगी और ये आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बाकी देशों की कोविड पॉलिसी पर ना दें ध्यान, दें अपने देश पर ध्यान। जी हां दोस्तों, अमेरिका पर चीन की भड़ास निकलती हुई दिखाई दे रही है। चीन में कोरोना के 4-4 वेरिएंट जहां तबाही मचा रहे हैं, रोजाना लाशों का यहां पर ढेर देखा जा रहा है। इसी बीच चीन ने अमेरिका को तगड़ी फटकार लगा दी है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में अमेरिका में COVID-19 महामारी की 5 लहरें आई हैं, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होती थी तब अमेरिका की चिकित्सा स्वास्थ्य चरमरा जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। अब वही अमेरिका चीन को भी यहां पर लताड़ लगा रहा है और चीन ने भी यहां पर पलटवार करते हुए अमेरिका को कहा है कि बाकी देशों की कोविड पॉलिसी पर ध्यान न दें। फिलहाल दोस्तों आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि चीन में जन्मे कोरोना के XBB वेरिएंट ने भारत में भी एंट्री कर ली है, तो भारत ने भी कोरोना की 4थी लहर का अलर्ट जारी हो चुका है। तो आप भी सावधान रहें, क्योंकि फिर से अगर स्थिति बनी तो 4थी लहर के चलते लॉकडाउन, बस, बाजार, ट्रेन भी लागू हो सकते हैं और ये सभी बंद किया जा सकते हैं। और साथ ही साथ बड़ी खबर, 24 घंटे में ठंड ने 108 लोगों की ली जान, हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं मामले। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, फिर से सावधान हो जाइए। यूपी के कानपुर में लगातार ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में बढ़ती ठंड की वजह से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी उत्तर प्रदेश या फिर कड़ाके की ठंड पड़ने वाले राज्यों में रह रहे हैं तो सावधान हो जाइए। खासकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर 24 घंटे के दौरान 16 तो वहीं पिछले एक हफ्ते में 108 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, किसानों, मजदूरों और श्रमिक महिलाओं को त्योहारों पर सरकार देगी 1,000 रुपया। इस प्रदेश की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, साथ ही राशन भी दी जाएगी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत के लोग पोंगल त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार से पहले तमिलनाडु की DMK सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देने का फैसला कर लिया है।
पोंगल त्योहार 15 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला है। ऐसे में तमिलनाडु के गवर्नर की ओर से जानकारी मिली है कि पोंगल त्योहार मनाने के लिए राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपया मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार राशन भी बिल्कुल मुफ्त बांटेगी। और वहीं इधर अभी अभी लोगों को लगा बड़ा झटका, एक बार फिर से बिजली कंपनी की ओर से बिजली महंगी करने का कर दिया ऐलान।